वेलकम बैक टू द वैरायटी स्टफ़। मेरा नाम है भूषण। बिल्कुल से चैनल सब्सक्राइब कर देना, रिक्वेस्ट है आपसे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करके ऑल के ऑप्शन पे ज़रूर टिक कर देना, ठीक है। सो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो पूरे वीडियो में आपको दिखाऊंगा ऐसा बीटा का APN जो VI के लिए स्पेशली, सिर्फ वोडाफोन आइडिया के लिए। और वोडाफोन आइडिया के जो APNs हैं मैंने बहुत सारे दे दिए हैं। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं 5 एयरटेल के APNs दूंगा जो मैंने दे दिए हैं। ये बीटा है लेकिन ये आपको मैं स्पीड की प्रॉमिस से नहीं, ऐसे नहीं बोलूँगा यार कि आपको एकदम बहुत स्पीड मिल जाएगी इससे वगैरह वगैरह, ठीक है। बट आपको इससे डिसेंट स्पीड मिलेगी, ठीक है। अच्छे से आप ब्राउज़ कर पाओगे, अच्छे से स्ट्रीम कर पाओगे। बट आपको मैं यही बोलता हूँ कि काम किया तो आप मुझे बताइए, नहीं किया तो मुझे बताइए। साथ ही में UPI पेमेंट्स इसमें काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें काम नहीं कर रही ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ यार मेरे जो APNs है ना उसके तरफ। तो आइडिया का जो इंटरनेट है डिफ़ॉल्ट वाला, ये अभी भी चल रहा है। मैंने ट्राई किया है, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है बेसिकली। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, जिस पर मैंने दिखाया हुआ है कि डिफ़ॉल्ट की स्पीड कैसे बढ़ाई जाती है डिफ़ॉल्ट APN को, और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी जगह पर चले जाते काम नहीं होता है। अब लोग हम बढ़ते सीधा स्पीड टेस्ट की तरफ। आपको स्पीड टेस्ट दिखाऊंगा मैं सबसे पहले, तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, नीचे देखिए आइडिया LTE लिखा हुआ है, फाइंडिंग सर्वर चल रहा है और कनेक्शन मल्टी और सिंगल। अब यहाँ पे VI नागपुर आ गया है यानी सर्वर का, ठीक है। ये जो सर्वर है बेसिकली नागपुर में है। अब मैं इसका आपको पिंग बता देता हूँ। पिंग है 27 और जिटर है 14। स्पीड आप देख रहे हो यानी इतना कुछ खास नहीं है, एज़ यूजल जितना रहता है डिफ़ॉल्ट में। इसको मैंने बताया है आपको कि मैंने दिखाया हुआ है वीडियो एक जिसमें आपको बताया हुआ है कि आप इसकी स्पीड कैसे बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे ही रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। स्पीड बिल्कुल भी थकेली मरेली ऐसी ही आएगी, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट को हम लोग बिल्कुल से हम लोग कर देंगे बंद। लॉस देखना है मुझे पर्टिकुलरली इसमें, अगर लॉस डिफ़ॉल्ट में वैसे भी नहीं होता, इसमें भी ना हो तो बहुत बेहतर है, तो लॉस इसमें नहीं है। चलिए 2.2 डाउनलोड, 0.42 अपलोड, ठीक है। चलिए अब सीधा आपको लेके चलूँगा हमारी डिफ़ॉल्ट की तरफ। क्या करना है आपको, सीधा सीधा आपको जाना है सेटिंग्स में, नेटवर्क्स एंड इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क। आपको यहाँ पे आइडिया एडवांस में जाना है, ठीक है। इसके बाद में आपको एक्सेस पॉइंट पे जाना है। एक्सेस पॉइंट पे जाके आप न्यू APN क्रिएट करोगे तो ऐसा ब्लैंक फॉर्म आ जाएगा, इसको आप डिस्कार्ड कर देंगे। पहले जो मैं डिस्कार्ड करो वैसे नहीं, आप फिल करोगे। अब सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, नेम कुछ भी रख सकते हो आप, ठीक है। कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी बात समझ लीजिए। नेम आप कुछ भी रख सकते हो, आप खुद का भी नेम रख सकते हो। मैं यहाँ पे इस वजह से रखता हूँ कोई और नेम, जैसे VI 2.0। क्यों रखा है मैंने इसके पीछे नेम, क्योंकि मुझे ध्यान में आता है कि ये दूसरा कोई APN बनाया हुआ है, ठीक है। अब आप भी क्या करोगे, आप आपके हिसाब से नाम डालो, जो भी डालना है। मैं बोलूँगा यार VI 2.0 डालो, क्योंकि हमारा VI 1.0 डिफ़ॉल्ट है। VI 2.0 यहाँ पे आप डालोगे या फिर आप जो भी आपको सही लगता है, बट APN आप जो डालोगे ये VI Beta 4G डालोगे। VI Beta 4G का V और बीटा का B कैपिटल रहेगा, G का G कैपिटल रहेगा। इसको कर देंगे ओके। प्रॉक्सी नॉट सेट रहेगा, पोर्ट 80 है, बट मैं पोर्ट हटाने का सोच रहा था तो मैंने हटा दिया। आपको रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो पोर्ट, कोई इशू नहीं, ठीक है। यूज़र नेम यहाँ पे हम लोग डालेंगे नहीं, पासवर्ड यहाँ पे नहीं सेट करेंगे, सर्वर नहीं डालेंगे। सर्वर वही कंडीशन में डालेंगे अगर हमें स्पीड नहीं मिल रही है तो, अदरवाइज सर्वर नहीं डालोगे आप किसी वेबसाइट में। किसी वेबसाइट को यहाँ पे ऐड नहीं करूँगा मैं, आपको आपसे कोई चीज़ छुपाने, आपसे झूठ बोलने में कोई वेबसाइट डाल के कभी भी ये नहीं होता है, अनलेस एंड अंटिल वो गूगल रहे, ठीक है। मैंने गूगल का डाला हुआ है, इसके पीछे मैं रीज़न बताऊँगा आपको क्या है, ठीक है। अब MMSC MMS proxy MMS port नहीं करेंगे सेट, हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे। MCC और MNC हमारा एरिया कोड है, हमेशा बताता हूँ, इसको भी नहीं छेड़ेंगे। छेड़ोगे तो गायब हो जाएगी पूरी इंटरनेट सेटिंग, आपका इंटरनेट बंद हो जाएगा। ऑथेंटिकेशन टाइप में आप डालोगे PAP और CHAP, इन केस अगर काम नहीं करता तो आप इसको स्विच करोगे PAP पे, ठीक है। APN टाइप आएगा डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट लिखोगे पूरा स्मॉल लेटर्स पे। उसके बाद में APN प्रोटोकॉल आएगा IP version 4, ठीक है। APN रोमिंग प्रोटोकॉल आ जाएगा IP version 4, ठीक है। अब बेरर की बात करते हैं। बेरर में यहाँ पे आप LTE सिलेक्ट कीजिए सिर्फ, या तो LTE से लेके आप GPRS तक पूरा सिलेक्ट कर लीजिए,
पर्टिकुलर कोई चीज़ मैं आपको सिलेक्ट करने नहीं बोलूँगा कि यही करो वही करो वही करो वही करो, ठीक है? ओके करेंगे इसको, नीचे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सेव करेंगे। अब इसको मैं एक्टिव कर लेता हूँ। एक्टिव करने के बाद मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, ठीक है? रिफ़्रेश करने के बाद होता यह है कि नेटवर्क रिफ़्रेश हो जाता है, आपकी कनेक्टिविटी बेटर हो जाती है। तो नेटवर्क रिफ़्रेश होने के बाद, नेटवर्क आने के बाद हम लोग करेंगे स्पीड टेस्ट, ठीक है? तो हम लोग सीधा बढ़ते हैं स्पीड टेस्ट की तरफ। स्पीड टेस्ट मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये हमारा डिफ़ॉल्ट वाला था। गो पे क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पे देख लीजिए आप, कनेक्शन मल्टी टाइप है, ठीक है? जाएगा और आएगा वाला, ठीक है? पिंग जाने जाना आना, VI नागपुर हो गया सर्वर, ठीक है? आइडिया LTE आपको दिख रहा होगा, ठीक है? चलिए गो करेंगे हम लोग, देखते हैं MS कितना, 18 4 जिटर का, और स्पीड जो है ना आपके सामने है। स्पीड के बारे में यार मैं आपको धोखा नहीं दूंगा कभी भी, ठीक है? मैं जो APN लाता हूँ ना वो ऐसे ही लाता हूँ जिसमें आपको स्पीड मिले। अगर स्पीड मिल रही है ना तो मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि हाँ जी ट्राई कर लीजिए आप। आपके अगर स्पीड नहीं मिल रही है ना, मैं खुद ही वो अपलोड नहीं करूँगा कभी, क्योंकि मैं यहाँ पे रात भर बैठ के पहले टेस्ट करता हूँ कि अपलोड हो रहा है या सही आ रही है, कहाँ पे कितना लॉस हो रहा है। जो मेरे पास लिस्ट आई है उसमें कुछ कुछ ऐसे APNs है ना जहाँ पे आपको लॉस जो है ना बहुत ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ पे 0.8% का लॉस है। ये लॉस आपके तरफ कम हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, दैट टोटली डिपेंड्स, ठीक है? तो बिल्कुल भी आप ये ट्राई करके देखिए। अब 0.8% का लॉस है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ दिक्कत है, ठीक है? तो अब तो यहाँ पे ये वीडियो करता हूँ मैं ख़त्म। जाने से पहले एक चीज़ बोलूँगा, थैंक्स अ लॉट, और एक चीज़ फिर से बोलूँगा कि आप मुझे बिल्कुल से बताइएगा यार कि क्या चीज़ें काम कर रही है क्या चीज़ें नहीं कर रही, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है ना कि मुझे सिर्फ 2 या 3 लोग ये करते हैं, रिप्लाई करते हैं या कमेंट करते हैं। मैं उनको रिप्लाई कर देता हूँ कि भाई ये करो भाई वो करो, और कोई कोई बंदे मुझे थैंक्स बोलते हैं क्योंकि उनके लिए काम कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। शाउट आउट देना चाहूँगा यार मैं, यार कुछ कुछ लोगों को शाउट आउट देना चाहूँगा आज की वीडियो में। संजय गर्ग भाई साहब जो है हमारे, इनको शाउट आउट है मेरी तरफ से। उसके बाद में हमारे प्रतीक चौधरी साहब है, ठीक है? इनको भी मैं बोलना चाहूँगा शाउट आउट मेरी तरफ से। महाकाल गेमिंग ऑफिशियल जो है, इस बंदे को भी मैं शाउट आउट देना चाहूँगा। ये बंदा रेगुलरली वीडियो देख रहा है। संजय गर्ग और हमारे ये जो है ये कर ही रहे, देख ही रहे, थैंक्स लॉट। ओनली PUBG, उसके बाद में मेक इन फैक्ट्री, ठीक है? इजी रेसिपीज़, मैं कुछ ये गिने चुने नाम अभी बता रहा हूँ जिनके साथ मेरा रोज का उठना बैठना तो नहीं है, लेकिन उठना बैठना ही बोल सकते हो क्योंकि वर्चुअली उठना बैठना ही हो गया। ये लोग मुझे अपना समझ के मैसेज करते हो, मैं उन्हें अपना समझ के चीज़ें बताता हूँ। और एक और चैनल को मैं शाउट आउट देना चाहूँगा आज के वीडियो में पूरे, ठीक है? तो ये जो चैनल है ना, इसमें आपको अगर MPSC वगैरह पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है? ये है मिस्टर रोशन बंडे, इनका वीडियो चल रहा है। अगर आपको देखना है तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेस कैंपस, अगर आप 11th-12th में पढ़ते हो तो। और अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए वगैरह भी ट्राई कर रहे हो तो इनका एक और चैनल है, उसके लिए भी आप कर सकते हो। आप इनके कमेंट में जाके ज़रूर से नीचे कमेंट कर देना कि आपका सिविल सर्विसेज वाला चैनल कौन सा है, ठीक है? आपको बता देंगे। सो एवरीवन, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है भूषण, आप थे द वैरायटी स्टफ पे। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।